हेलो हाय हेलो ऑल, माय नेम इज़ प्रणीता निशिकांत। मैं PCMC पुणे से हूँ। मैं आज बनाने जा रही हूँ शाही खीर। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? अगर आवाज़ आ रही है तो थम्स अप कीजिए प्लीज़। हेलो ऑल, हमारे देश में त्यौहार बहुत सारे मनाए जाते हैं, और त्यौहारों में क्या मनाया जाए, क्या बनाए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम आज बनाने जा रहे हैं शाही खीर, जो त्यौहार के दिन तो बनी ही जा बनती ही है, लेकिन बाहर दूसरे कोई दिन भी बना सकते हैं हम। लाउड एंड क्लियर। हेलो, तो चलिए आज हम बनाते हैं शाही खीर। इसके नाम में ही शाहीपन है, जो शाही इंग्रेडिएंट से बनती है और टेस्ट में भी शाही स्वाद देती है हमें। हम स्टार्ट कर सकते हैं? तो चलो, खीर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पहले हमें चाहिए अमूल गोल्ड का मिल्क, पहले तो मैं अमूल का थैंक्स बो अमूल को थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो जिन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। अमूल की वजह से हम आज ये प्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए हम बनाते हैं शाही खीर, जिसके लिए हमें चाहिए अमूल गोल्ड मिल्क। ये चावल है, बासमती चावल है, ये मैंने धो के इसका पानी पूरा निचोड़ दिया है। फिर उसके बाद में हमें चाहिए ये ड्राई फ्रूट्स, इसमें काजू, बादाम, पिस्ता और ये छुहारे, और ये हम सारा रात को भिगो के फिर कट करके ये मैंने रेडी किया है। फिर इसके बाद में हमें चाहिए घी, ये भी हमने अमूल का यूज़ किया है। फिर शक्कर, ये मिठाई मेड है, अमूल का मिठाई मेड। ये अमूल की मिल्क पाउडर है और ये है कोकोनट मिल्क पाउडर। और फिर हमें टेस्ट के लिए चाहिए इलायची पाउडर, और ये ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखे हैं, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, बाद में ये यूज़ करेंगे। और ये है मिल्क है, थोड़ा सा केशर, केशर को मैंने गर्म दूध में डाल के रखा है, इससे कलर अच्छा आता है खीर का। आप क्या बना रहे हो? मैं बना रही हूँ शाही खीर। तो चलिए शुरू करते हैं हम। खीर बनाने से पहले हम मिल्क को अच्छे से गर्म कर लेंगे, एक उबाल आने तक गर्म करेंगे मिल्क को। कढ़ाई थोड़ी गर्म होते ही तो चलो शुरू करते हैं खीर बनाना। ये अमूल का घी है, ये 2 स्पून हम डालेंगे। हमने ये ड्राई फ्रूट रात को पानी में भिगो के रखे थे, सुबह इसका पानी निकाल दिया और इसके छोटे छोटे चॉप्स बना लिए। इससे होता क्या है, छुआरों से
करेंगे, क्योंकि ओके, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? ओके, तो हम ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से भून लेंगे पहले। ये लगभग हो चुके हैं हमारे अच्छे से भून के, गोल्डन ब्राउन हो गए ये सब। अब हम इसमें आधी कटोरी चावल डालेंगे, ये बासमती, ये मैंने धो के इसका पानी निकाल रखा है। नाउ यू कैन सी, ये भी हमें अच्छे से भूनना है, गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून सकते, होने तक हमें भूनना है ये सब। यू आर ऑडिबल नाउ। थैंक यू। नो वॉइस। हमने साथ में बाजू में दूध चढ़ा के रखा है। ओके, हमारे ड्राई फ्रूट्स और चावल अच्छे से भून रहे हैं। मोठ्याने बोल। हमारे चावल और ड्राई फ्रूट अच्छे से भून रहे हैं, ये गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है अच्छे से। लुक्स डिलिशियस। हमें हम चावल भून के इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाद में ये चावल का एक पूरा का पूरा दाना हमें खीर में आना चाहिए। अगर हम भून के लेते हैं तो वो पूरा साबुत दाना आता है खीर में। हमने ये अच्छे से भून लिया है। हम ये चावल भीगे हुए थे, चावल भीगे हुए नहीं थे, मैंने भिगोए आधा घंटा तक भिगोए, फिर बाद में उसका पूरा पानी निकाल दिया और फिर ये यूज करने के लिए, क्योंकि हम जब गरम घी में अगर डालते हैं चावल तो वो ज्यादा ये हो जाता है। देखिए ये अच्छे से भून रहे हैं चावल।
और उसके साथ साथ में ड्राई फ्रूट भी भून रहे हैं। ये शाही है, शाही खीर है, इसीलिए इसमें ड्राई फ्रूट तो ज़्यादा आएंगे ही। और कैसे हमारा मानना होता है कि शाही है, मतलब ये लेंदी प्रोसेस और बहुत क्रिटिकल होगा बनाने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत इजी होता है, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं है। हम आसानी से 20-25 मिनट में बना सकते हैं ये। अगर कभी मेहमान भी आते हैं और हमें लास्ट मोमेंट पे कुछ बनाना होता है, उस टाइम पे हम जल्दी से बना पाते हैं ये सब। करछी लगातार चलनी चाहिए क्योंकि ये रिकैप प्लीज रिकैप ओके हमने घी लिया है, घी को कढ़ाई में डाल दिया, फिर चावल, फिर ड्राई फ्रूट को रात में मैंने भिगो के रखा था, वो कट कर लिए थे, फिर ड्राई फ्रूट डाल दिए। ड्राई फ्रूट थोड़े से भूनने के बाद में हमने चावल को डाला है इसमें, और उसे उस सबको हम अच्छे से भून रहे हैं अभी। और साइड में मैंने दूध चढ़ा दिया है, दूध थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। और हमने यूज़ किया है अमूल का गोल्ड मिल्क। ये बहुत गाढ़ा होता है, खीर बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होता है, इसलिए हमने अमूल का यूज़ किया है। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अमूल को कि उन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। वेरी नाइस। अभी ये सारा अच्छे से भून रहा है, ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है ये सारा। अब हम इसमें दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, क्योंकि एकदम से दूध पूरा अगर डाला जाए तो वो बाउंस होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए इसे हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। गैस लो फ्लेम पे ही करना है हमें, क्योंकि खीर है, दूध है, तो ये चिपक सकता है, इसीलिए बर्तन भी थोड़े मोटे चाहिए। हो गया। अब हम इसमें पूरा 1 लीटर दूध डालेंगे। ये देखिए ये चावल और भुने हुए ड्राई फ्रूट कितने मस्त दिख रहे हैं खीर में। ये लो फ्लेम में 10 से 12 मिनट तक हम पकने देंगे। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए मैंने पहले से ही थोड़ा सा पका के रखा है खीर को दूसरे बर्तन में। हेलो हाय। ये देखिए 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पे होने के बाद में राइस कितना लिया है? एक कटोरी राइस लिया है, एक पूरा एक कटोरी नहीं लिया है मैंने, आधे से थोड़ा सा ऊपर लिया है। 1 लीटर दूध के लिए इतनी क्वांटिटी सफिशिएंट हो जाती है। टेम्पटिंग। ये देखिए ये ड्राई फ्रूट भी, शाही खीर है तो शाही तरीके से ही बनेगी और शाही का स्वाद भी तो आना चाहिए। हमें अभी ज़्यादा चलाना नहीं है, क्योंकि ये चावल हमारा पक गया है, और अगर ज़्यादा कलछी चलाएंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए ये देखिए ऐसा
हो चुका है ये चावल। क्या बन रहा है, रिपीट प्लीज। ये शाही खीर बन रही है। देखिए अमूल के प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं इसमें बनाने के लिए, और अमूल की एक सबसे अच्छी बात मुझे ये पसंद आती है कि अमूल के जो बड़े बड़े भी पैक होते हैं और छोटे से पैक भी होते हैं। ये देखिए अभी बटर का इतना बड़ा भी पैक है और ऐसे छोटे से पैक भी आते हैं, इसीलिए हम अमीर लोग तो बोलते हैं लोग कि ये अमीरों का खाना है ऐसा है, लेकिन गरीब लोग या कोई भी आम आदमी भी ये खरीद के खा सकता है या फिर बना सकता है अमूल का यूज करके। खाना कब है? 10 मिनट के बाद में खाना है, आ जाइए। ये देखिए हमने इसमें अभी तक शक्कर नहीं डाली है या फिर बाकी कुछ नहीं डाला है, सिर्फ चावल और ड्राई फ्रूट को अच्छे से भून के दूध के साथ में इसको पकाया है। चलिए तो बाकी का काम कर लेते हैं अभी। ये है अमूल का मिठाई मेड़। अगर घर में कुछ मीठा हो और अमूल ना यूज करे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए हम इसमें डालते हैं अमूल का मिठाई मेड। फिर इसके बाद में हम डालेंगे आधी कटोरी शक्कर। ये ज्यादा शक्कर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि छुआरों में जो मिठास होती है वो भी इसमें होती है, इसीलिए ज्यादा शक्कर हम यूज नहीं करते। अब शाही है, इसका टेक्सचर तो आना चाहिए। शाही के लिए मोस्टली खोआ यूज किया जाता है, लेकिन हम वो नहीं यूज करेंगे। हम आज यूज करेंगे अमूल का अमूलिया मिल्क पाउडर, ये 3 टेबलस्पून। डेरी वाइटनर है ये अमूल का। और ये हम डालते हैं कोकोनट मिल्क पाउडर। ये टीन में भी आता है वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर कोकोनट मिल्क पाउडर आसानी से मिलती है वो भी यूज कर सकते हैं, वो 2 टेबलस्पून। ये सब होने के बाद में हम इसको अच्छे से रेसिपी रिपीट विथ नेम। ओके, आज मैं बना रही हूँ शाही खीर। रेसिपी के लिए हम पहले एक अमूल का दूध लेंगे, 1 लीटर दूध, वो थोड़ा गर्म करके लेंगे। फिर इसके बाद में 1 कटोरी चावल, चावल हम पहले 2 टेबलस्पून घी को गर्म करेंगे। फिर उसमें रात में भिगोए हुए ड्राई फ्रूट से ये डालेंगे कट करके अच्छे से। चावल और ड्राई फ्रूट अच्छे से भून लेंगे। फिर उसके बाद में हम दूध डालेंगे। चावल जब अच्छे से पक जाता है, जब ऐसा हो जाता है, उसके बाद में हम उसमें डालेंगे 1/2 कटोरी शक्कर, 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 2 चम्मच ये कोकोनट मिल्क पाउडर। अभी इतना हो क्वांटिटी ओके। अगर हम 1 लीटर दूध लेंगे तो इसके लिए आधी थोड़ा सा ज्यादा बासमती चावल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमने जो भिगो के रखा था केसर, वो डालेंगे। शाही है तो केसर के बिना तो हो नहीं सकता। देखिए कलर कितना बढ़िया आ रहा है इसका। भून के क्यों डालना है चावल, हम तो भीग ही डालते हैं।
भून के डालने से ये बासमती पूरा का पूरा साबुत आना चाहिए। भून के डालने से इसका टेस्ट भी एनहांस होता है और ये चावल टूटता भी नहीं है। कोकोनट मिल्क अमूल का आता है? नहीं, अमूल का कोकोनट मिल्क नहीं आता है, लेकिन इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। पाउडर नहीं है? कोकोनट मिल्क मिल्क पाउडर अमूल का, हाँ अमूल का कोकोनट मिल्क पाउडर आता है, उसको डेरी वाइटनर बोलते हैं, अमूल या डेरी वाइटनर, ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। कोकोनट पाउडर कौन सा है? कोकोनट पाउडर नेस्ले, नेस्ले का कोकोनट पाउडर है, ये मिल जाता है आसानी से बाजार में, मार्केट में। वॉइस वेरी लो, सॉरी। देखिए हमें हमारी खीर लगभग तैयार है। हमने खोया नहीं यूज किया है, ना कि दूध को हमने पहले से थोड़ा सा ये करके रखा है। हम रबड़ी बना के लेते हैं या फिर खोया यूज करते हैं, उससे अच्छा है कि कोकोनट ये अमूल का डेरी मिल्क डेरी वाइटनर यूज करो तो आसानी से बन जाता है ये, और टाइम भी कम लगता है इसमें। देखिए अच्छे से उबाल आ रहा है, ये साइड में थोड़ा थोड़ा लग जाता है। ये देखिए अच्छे से खीर बन गई है, गाढ़ी भी हो गई है, और इसका टेक्सचर भी देखिए, ये देखिए। हमने चावल को भून के लिया है, इसीलिए वो साबुत चावल दिखाई दे रहा है। मिठाई में हाफ ऐड किया ना? हाँ, मिठाई में हाफ ऐड किया, क्योंकि हमें ये डेरी मिल्क भी डालना है और हमने शुगर भी डाली है। मिठाई मेड में भी शुगर होती है तो, और फिर हम छुआरे हमने छुआरे भी डाले, तो छुआरे का भी एक मीठापन अलग से आता है, इसीलिए सारा हाफ हाफ। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम मिठाई मेड डालेंगे या फिर शक्कर डालेंगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा वो। वेरी नाइस रेसिपीज, थैंक यू। देखा आपने कितनी जल्दी हो गई, और ये सब जल्दी हुआ क्योंकि ये इसने हमें सपोर्ट किया, थैंक्स टू अमूल, डिलीशियस, थैंक यू। तो हमारी खीर रेडी है, देखिए हम और भी गाढ़ी कर सकते हैं, लेकिन ये ठंडी होने के बाद में ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, इसीलिए इतना सफिशिएंट हो जाता है। यू शुड ओपन योर ओन यूट्यूब चैनल, वेयर कैन वी लर्न योर रेसिपीज। थैंक यू, आप बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ। तो ये खीर तैयार है, तो चलो हम अब प्लेटिंग करते हैं खीर की।
शाही खीर है तो शाही तरीके से ही पेश होनी चाहिए। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं हम। माउथ वाटरिंग यमी खीर। थैंक यू। हाय प्रणीता, लुकिंग डिलिशियस एंड वेरी नाइस। थैंक यू, वेरी डिलिशियस। देखिए अच्छे से अब हम इसको गार्निश करेंगे। शाही है तो शाहीपन तो आना चाहिए थोड़ा सा। तो रोज पेटल, ये रोज पेटल मैंने रोज की पंखुड़ियों को माइक्रोवेव में 1 मिनट तक गर्म कर लिया है। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। देखो ये पिस्ता हमने डाल दिया है इसके ऊपर, ये बादाम। नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। टेम्प्टिंग। ये थोड़े से काजू ऊपर से, और ये यमी। थैंक यू। आ जाइए खाने के लिए। ये देखिए हमने कटोरी में भी, और ये मेन इंग्रेडिएंट तो रह ही गया। सो नाइस, केसर। यमी, द प्रेजेंटेशन इज ऑसम। थैंक यू। ये खीर हम गरम भी खा सकते हैं, या फिर किसी को अगर ठंडी खीर पसंद है तो बना के फ्रीज में रख के भी खा सकते हैं। अगर कभी मेहमान आते हैं और फिर लास्ट मोमेंट पे करना कुछ नहीं होता है तो आसानी से खीर बन सकती है, या फिर हम बना के फ्रीज में रख के भी बाद में सर्व कर सकते हैं उनको। तो लीजिए ये मेरी शाही खीर रेडी है। नेक्स्ट सेशन कब है? नेक्स्ट सेशन मेरा 12 सितंबर को है, सॉरी 12 अक्टूबर को है। उसमें मैं बनाने जा रही हूँ साबुदाना वड़ा। तो प्लीज़ जॉइन अस, एंड थैंक यू अमूल जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, और आज मैं उनकी वजह से ही आपके सामने आ गई हूँ। आई लाइक ठंडी खीर। तो आप ठंडी बना के खा लीजिए। लुक्स टेम्प्टिंग। थैंक यू। Looks amazing. Please start your YouTube channel. Thank you. जल्दी आ जाइए, जल्दी मैं आऊंगी आपके सामने YouTube चैनल के थ्रू। थैंक यू अमूल। What खीर is this? ये शाही खीर है, चावल की खीर है लेकिन शाही तरीके से बनाई हुई है। टेस्ट के लिए भी शाही शाही है और लुक्स में भी शाही लग रही है। We'll surely लग रही है ना। थैंक यू। थैंक यू अमूल।